तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर इंटरेस्टिंग वीडियो देखें सबसे पहले। यह सर्विस एकदम फ्री है। एक घटना याद आती है, चौटाली जी आशीर्वाद दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, मंगल कामना। और देखो ये घटना कब की है, लोग तो इसे फर्रुख आवाज की बताते हैं, ऐसा किसी जीवन चरित्र में नहीं है, ये प्रयाग की घटना है। और देखा सूर्य उदय हो रहा है, ऋषि दयानंद समाधि से ईश्वर चिंतन से जाग रहे हैं। माताओं अकस्मात एक दृश्य उत्पन्न होता है ऋषि दयानंद के सामने। एक माता आती है अपने बच्चे का शव एक पुराने से जीर्ण से कपड़े में लपेटे हुए आई और आकर के छपक जैसे उसको गंगा में बहा दी। श्रीदानंद एकदम से देखा और उस मां के आगे खड़े हो जाते हैं। मां एक बात बता, मैंने एक दृश्य देखा है, अभी अभी आपने एक बच्चे की लाश गंगा में बहाई, लाश तो बहा दी पर जो दृश्य मैंने देखा वो प्रश्न खड़ा हो जाता है। आपने लाश को तो बहा दिया लेकिन जो कफन लपेटा हुआ था वो अपने पास रख लिया, उसको निचोड़ करके झटक करके वो मां चल रही थी, वो दुखी थी। उसने कहा जाइए आप सन्यासी हैं, महाराज आपको सांसारिक भोगों से क्या मतलब है, लेकिन दयालु दयानंद द्रवित होकर के पूछते हैं मैं ये जानना चाहता हूं कि वो कफन क्यों उतार लिया, क्या इस बच्चे की लाश से अति प्रिय ये वस्त्र था जो वो वस्त्र उतार दिया। अब वो मां खुलासा करती है, सुनो मातृशक्ति सुने, वो कहती है देखो मैं एक विधवा स्त्री हूं, ये मेरा बच्चा 3 महीने से बीमार था, मैंने लोगों से सहायता मांगी लेकिन किसी ने एक पैसा भी मेरे बच्चे की बीमारी के लिए नहीं दिया, मेरे बच्चे की लाश नग्न रही, मैंने लोगों से वस्त्र के कफन के लिए भी पैसा मांगा लेकिन किसी ने एक पैसा भी नहीं दिया। अपने पूछा कि ये वस्त्र क्यों रख लिया, ये साड़ी देख रहे हो मेरे शरीर पर, केवल एक साड़ी है मेरे पास में, जब मैं आई थी तब अंधेरा थोड़ा था, मेरा शरीर यहां से नग्न था, मैं अंधेरे में आ गई, अब सूर्य उदय हो गए हैं, प्रकाश हो गया है और मेरा शरीर ऊपर से नग्न है। उस साड़ी में से पल्लू को फाड़ करके अपने जिगर के टुकड़े को इसमें लपेटा था, अब घर जाकर के इस कपड़े से सबर की सुई से इसको सीम कर अपने तन की लाज भी मुझे ढकनी है। छोरी सी विघ्न बाधाओं में नहीं रोया, बहन की मृत्यु पर नहीं रोया, आज गंगा यमुना फूट पड़ी, आज वो ऋषि रोता है और कितना रोया, देश की गरीबी पे रोया ऋषि इतना, देश की गरीबी पे रोया ऋषि इतना, और चेतक के मरने पे राणा रोया था जितना। क्या ये वो भारत देश है सोने की चिड़िया जिसको कहकर के पुकारा गया, आज एक बच्चे की लाश नग्न बही जा रही है। एकांत में बैठकर के जर्मनी को एक पत्र लिखता है वो ऋषि, तुम लोग ये घटनाएं बहुत कम लोग सुनाते हैं, और पत्र में लिखा मैं भारत से कुछ विद्यार्थी भेजना चाहता हूं। हा उधर से उत्तर आता है, स्वामी जी एक विद्यार्थी के ऊपर 6,000 का खर्च आएगा, उस समय का चौटाली जी 6,000 का, ये स्वामी जी के सामर्थ्य से बाहर की बात थी। माताओं हो इस समय ऋषि दयानंद पत्र दोबारा लिख रहे हैं मिस्टर वीस को, और उसमें जो जो वर्णन किया लिखते जा रहे, आंसू टप 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 पत्र के ऊपर पड़ रहे, पत्र को बंद किया चलता किया। जब वो पत्र जर्मनी में खोला गया भाइयों तो एक कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें देखा ये पत्र अगर ये जगह जगह बिंदु काहे के पड़े हुए हैं, अगर ये पत्र बारिश प्रसाद में लिखा जाता तो ऐसे एक रेखा बन जाती,
जिसने ये पत्र लिखा है ये दुखित आत्मा की आवाज है, ये आंसुओं के बिंदु पड़े हुए पत्र के ऊपर। बस एकदम से जर्मनी पत्र लिखता है, स्वामी जी महाराज जितने विद्यार्थी भेजना चाहते हो भेज दो, निःशुल्क आपकी सेवा की जाएगी, कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। भाइयों ये बड़ी देर हो चुकी थी, और देर क्या थी, जिस समय वो पत्र भारत में आया उस समय ऋषि दयानंद की लाश अजमेर में धो धो करके जल रही थी। ये काम भी अधूरा रह गया ऋषि दयानंद का, कौन कौन करेगा इस काम को, इस काम को करने वाले आप से निवेदन कर रहा हूं। घोर अविद्या की अंधियारी चारों तरफ थी छाई, भोगियों और पाखंडियों ने थी भारी लूट मचाई। तब टंकारा की धरती पर जन्म गुरुवर मेरा प्यारा, वेद की पुस्तक लेके हाथ में, वेद की पुस्तक लेके हाथ में सबको है ललकारा कि आया यहाँ एक योगी, जगाया हमें ज्योति कि आया यहाँ एक योगी, जगाया हमें ज्योति। भोर अविद्या की अंधियारी चारों तरफ थी छाई, अरे भोगियों और पाखंडियों ने थी भारी लोट मचाई। तब टंकारा की धरती पर जन्म गुरुवर मेरा प्यारा, वेद की पुस्तक लेके हाथ में, वेद की पुस्तक लेके हाथ में सबको है ललकारा कि आया यहाँ एक योगी, जगाई यहाँ मिल ज्योति कि आया यहाँ एक योगी, जगाई यहाँ मिल ज्योति। सारी दुनिया दहक रही थी आग बहुत फैली थी, हो सारी दुनिया दहक रही थी आग बहुत फैली थी, उजली चादर दिखने वाली हो गई मैली थी, हो उजली चादर दिखने वाली हो गई मैली थी। उसने चूर किया था विधवा दलित अनाथों को अपनी शरण लिया था, धरती के लाल बसने वाले, धरती के लाल बसने वाले सभी प्रभु का है प्यारा कि आया यहाँ एक योगी, जगाया हमें ज्योति कि आया यहाँ एक योगी, जगाया वीर ज्योति। भारत माता के पैरों में बेड़िया पड़ी थी, हो भारत माता के पैरों में बेड़िया पड़ी थी, अंग्रेजों के भारी लूट से आफतिया पड़ी थी, हो अंग्रेजों के भारी लूट से मची थी। सबसे पहले स्वतंत्रता की उसने गूंज उठाई, हिंदी माथे की बिंदी है अरे उसने ढेर लगाई, अंग्रेजों भारत को छोड़ो, अंग्रेजों भारत को छोड़ो, यह वतन हमारा कि आया यहाँ एक योगी, जगाई यहाँ वीर ज्योति कि आया यहाँ एक योगी, जगाई यहाँ वीर ज्योति। घोर अविद्या की अंधियारी चारों तरफ की छाई, भोगियों और पाखंडियों ने भी भारी लोट मचाई,
सब कंकाला की धरती पर जन्म गुरुवर मेरा प्यारा। वेद की पुस्तक लेके हाथ में, वेद की पुस्तक लेके हाथ में, सबको है ललकारा कि आया यहाँ एक योगी। जरा यहाँ वेद योगी गर्भवती सारी दुनिया ऋषिवर मेरा अकेला हो। एक तरफ थी सारी दुनिया ऋषिवर मेरा अकेला। आंधी और तूफानों में भी डटा रहा अलबेला हो। आंधी और तूफानों में भी डटा रहा अलबेला। कर्नल ब्रुक अपनी सेवा समाप्त करके जब लंदन जा रहा था, उसके रिटायरमेंट में एक सभा हुई, विदाई समारोह था, और उसमें बड़े बड़े अधिकारियों को बुलाया, तो उसमें संयोग था कि ऋषि दयानंद को भी बुलाया। माता ये सुन लो आर्यो। और जब सारे वक्ता बोल चुके तो ऋषि दयानंद को भी निवेदन किया, आप भी अपना उद्बोधन दे, आशीर्वचन कहे। ऋषि खड़े हुए, सुनो, ऋषि खड़े हुए और खड़े होकर के उस कर्नल ब्रुक को संबोधन करते हैं। कर्नल ब्रुक, जाकर के अपनी रानी विक्टोरिया से कह देना, अगर भारतीयों की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ होता रहा और इस देश में गौ हत्या बंद ना हुई तो 1857 की क्रांति फिर दोहराई जा सकती है। निर्वेक सन्यासी कहता है, माताओं अंग्रेजों के सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं थी। ऋषि दयानंद ने मुख्य नाम क्या बताया परमात्मा का? बोलो जी, जोर से बोलो। बस सबसे मैं दो पंक्तियों में बुलवा रहा हूं और आप मेरे साथ में बोलेंगे। ये है मेरी रचना बोलो रे, ये ओम प्रभु का प्यारा नाम है। बोलो मेरी रचना बोलो रे, ये ओम प्रभु का प्यारा नाम है। ये ओम प्रभु का प्यारा नाम है, ये ओम प्रभु का प्यारा नाम है। महेश कहता हर, ओम महेश कहता। ओम ही माता ओम पिता है, ओम ही बंधु भ्राता। ओम ही माता ओम पिता है, ओम ही बंधु भ्राता। मेरी रचना बोलो रे, ये ओम प्रभु का प्यारा नाम है। बोलो मेरी रचना वीडियो देखे सबसे पहले। यह सर्विस एकदम फ्री है।